हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट की एक और न्यू वीडियो में। और आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि भाई आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे भाई माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर जो है विदर और वार्डन की एक बेडरॉक प्रिजन के अंदर फाइट करवाओ। और भाई हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब बेडरॉक प्रिजन के अंदर विदर और वार्डन की फ़ाइट होगी तो लाइक वार्डन जो है विदर को कितने टाइम में मार देगा। लाइक भाई ऐसे क्या होता है कि विदर ना फ्लाई करता रहता है तो वार्डन ना उसे इतनी इजीली मार नहीं पाता है, कोई डैमेज लगता है कोई नहीं भी लगता है। और बाकी अगर मान लिया कि जैसे विदर और वार्डन दोनों इस बेडरॉक प्रिजन के अंदर है ना, तो भाई वार्डन जो है ईजिली मार लेगा, लेकिन फिर भी टाइम कितना लगेगा। और जब विदर अटैक करेगा तो बेडरॉक पे और जो वार्डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं यही आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिन बंदों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। और खैर ऐसी कोई बात है नहीं भाई, मैं ना पॉकेट जावा बेडरॉक सारे के सारे एडिशंस खेल लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ना पॉकेट में नूब हूँ, नहीं भाई मैं पॉकेट में नूब नहीं हूँ भाई, मैं ना जैसे जावा बेडरॉक में प्रो हूँ ना वैसे मैं इसमें भी प्रो हूँ। क्योंकि भाई पहले मैं ना यही खेलता था, हाँ भाई जितने भी प्लेयर्स हैं यही खेलते हैं, उसके बाद ही भाई वो ना लैपटॉप और पीसी पकड़ते हैं। खैर ठीक है, यहाँ पर मुझे चिकन एग्स मिल चुके हैं, ओके यहाँ पर भाई एक चिकन स्पॉन हुई है। खैर ये सब बातें ख़त्म करते हैं हम लोग, फटाफट से जो है बेडरॉक निकालते हैं इधर से। ये रहे हमारे बेडरॉक और टाइम को जो है मैं फटाफट से जो है डे पे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई टाइम का तो माइनक्राफ्ट में सबको पता है, पता ही नहीं चलता कि किस टाइम रात हो जाती है और किस टाइम दिन हो जाता है। भाई बहुत ज़्यादा छोटी डे और नाइट होती है इन द माइनक्राफ्ट। तो ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने होल बना रखे हैं ताकि भाई कुछ सनलाइट जो है आती रहे। ठीक है, अगर हम लोग टॉर्च लगाएंगे तो वो तो जो है विदर के अटैक से, मतलब कि विदर के जो है डैमेज से, डिस्ट्रॉयलेशन से वो जो है टूट जाएगी, टॉर्च हट जाएगी। तो बार बार टॉर्च लगाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमारी जो फाइट है वो भी मिस हो जाएगी। तो खैर ठीक है, बिना किसी बातों के यहाँ पर जो है मैंने विदर को स्पॉन तो कर दिया है। अभी विदर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट करेगा, ठीक है इसे होने देते हैं। ओके भाई विदर तो बहुत मस्ती लग रहा है, और ये लो भाई विदर ने यहाँ पर ब्लास्ट किया तगड़ा वाला। लेकिन नो भाई तुम ऊपर मत जाओ, ओ भाई किधर जा रहा है तू, ऊपर मत जा, तू जा ही नहीं सकता बेवकूफ, भाई देख नहीं रहा बेडरॉक है, तू कुछ भी कर ले 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 कर ले डिस्ट्रॉय। खैर ठीक है गाइस, 1-2 और भाई अबे रात, ओके रात नहीं भाई ये तो इसने ही बना रखा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है बाहर की साइड को। खैर ठीक है, ये हमने स्पॉन किया वार्डन, और वार्डन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन भाई ये देखो, ये तो अभी भी नीचे ब्रो, लगता है थोड़ी सी कम हाइट रखनी चाहिए थी हमें बेडरॉक प्रिजन की, तभी जो है हमें इनकी फाइट का असली मज़ा आता। खैर ठीक है, अभी मैं ना फटाफट से जो है विदर को खुद ही मार देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है हाइट थोड़ी सी जो है कम कर देंगे इस बेडरॉक प्रिजन की, ताकि जो है वार्डन और विदर मतलब इनकी फाइट जो है एकदम से मतलब फेस टू फेस हो सके। यहाँ पर तो भाई ये विदर ऐसा है कि भाग रहा है वार्डन से, हाँ भाई ये विदर तो वार्डन से भाग रहा है, क्योंकि वार्डन के पास तो ऐसी कोई फ्लाइंग एबिलिटी है नहीं। भाई इसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है जिसका ये बहुत अच्छे तरीके से यूज उठा रहा है। खैर ठीक है, यहाँ पर भाई इसने विदर स्केलेटन स्पॉन कर दिए हैं जो कि इसके कोई काम का है नहीं। यहाँ पर वार्डन ने फाइनली इसे मार दो भाई, फिर से तगड़ा धमाका। भाई विदर का यही तो सिस्टम बेकार लगता है मुझे, लाइक अगर सर्वाइवल वर्ल्ड में तुम इसे मार रहे हो तो जब ये आएगा तब भी धमाका करेगा, और जो आएगा तब भी धमाका ही करेगा। खैर ठीक है, इससे बहुत मस्त चीज़ मिलती है नेदर स्टार, जिससे हम लोग बना सकते हैं वीकन। अब मतलब कि आप सभी लोगों को तो पता होगा मैं क्यों बता रहा हूँ। खैर ठीक है, फटाफट से जो है हम लोग हाइट जो है इसकी सिंपल से एक ब्लॉक नीचे कर ही देते हैं, हाँ भाई इसकी एक ब्लॉक हाइट नीचे कर देते हैं। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई ये जो विदर है इसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है, तो ये तब भी उड़ सकता है ब्रो, समझ रहे हो तुम, मतलब ये तब भी उड़ सकता है। खैर इस वाली साइड को तो मैंने लगाया नहीं, तो फटाफट से हम लोग इस वाली साइड को भी लगा देते हैं बेडरॉक जो है फटाफट से। और उसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या, मतलब कि आखिरकार होने क्या वाला है। लाइक भाई ये तो मतलब कि विदर ने चीटिंग की थी वार्डन के साथ में कि भाई इसने ये किया, और ये देखो मैंने आपसे कहा था कि भाई नेदर स्टार मिलता है जो कि यहाँ पर हमें मिल चुका है। खैर ठीक है भाई, इतनी हाइट सही है, अब विदर ऊपर जाता है तो जाने दो, अगर भाई नहीं भी जाता है तो भी कोई बात
बात नहीं भाई इतनी। हाँ ठीक है, अब ये हाइट सही है। ठीक है ब्रो, इतनी हाइट पे अभी हम लोग फाइट करवाने वाले हैं। अब ऐसा मुझे लगता है कि जो है वार्डन अपना नीचे खड़े खड़े आराम से जो है विदर को मार सकता है बिना किसी दिक्कत के। हाँ भाई, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना कि वार्डन को और ना ही विदर को। खैर ठीक है, फटाफट से हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं। और वार्डन तू ना रास्ते से जो है फटाफट से हट जा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे काम है। खैर गाइस ठीक है, अभी हम लोग फटाफट से ब्लॉक्स लगाते हैं, और यहाँ पर जब मैं पूरा का पूरा कवर कर दूंगा तभी मैं आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है, तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है सेटअप कर दिया है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस प्रिजन की हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। लाइक भाई विदर जो है अब फ्लाई नहीं कर सकता है, वार्डन की रेंज में ही रहेगा, जिससे वार्डन उसे हैंड से भी इजीली मार सके। खैर ठीक है, क्या पीछे कोई, हाँ हाँ बेडरॉक तो होगा ब्रो, होगा तो ओके। फटाफट से जो हम लोग एक और विदर स्पॉन करवाते हैं। ओके भाई, यहाँ पर जो है अभी वार्डन मतलब कि विदर जैसे ही अटैक करेगा, लेकिन भाई इसका ये, हाँ हाँ भाई सही है, वो डार्कनेस में ऐसा लग रहा था। मैं भी कहूँ कि भाई विदर ब्लैक कब से होने लगा। खैर ओके, इस वाली साइड को ये मारा वार्डन ने सोनिक बूम। हाँ वो कोई बात नहीं, वार्डन की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि वो विदर से भी फाइट कर चुका था और हमने भी वार्डन के एक दो नेदराइट की शॉट बजा डाली थी, तो इसीलिए वो हेल्थ कम होना तो बनता है। लेकिन इसी बात पे अभी हम लोग जो है फटाफट से एक और वार्डन स्पॉन करते हैं और देखते हैं कि क्या वार्डन जो है विदर को मार पाएगा। खैर ठीक है, फटाफट से जो है हम लोग फाइट देखते हैं, मिस नहीं होनी चाहिए फाइट बिल्कुल भी। ओके, तो वार्डन ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, और भाई वार्डन तो नेदराइट की शॉट से भी ज़्यादा डैमेज दे रहा है इस विदर को। लाइक जितना हमारी नेदराइट की शॉट जल्दी जल्दी डैमेज नहीं दे पाएगी इस विदर को, उतनी जल्दी ज़्यादा डैमेज तो वार्डन दे रहा है। खैर ठीक है, एक विदर स्केल्टन स्पॉन हुआ तो था जिसे मैंने मार दिया है, और ये लो विदर को यहाँ पर वार्डन ने मार दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजिली। मुझे तो लग रहा था कि भाई टाइम लगेगा, भाई विदर भी मतलब पावर तो है विदर में भी, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई वार्डन ही है जो है। खैर ठीक है, वार्डन को मैं फटाफट से इसी प्रिजन के अंदर बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे भी बेडरॉक ही लगा दिए थे, वरना भाई विदर ना पूरा का पूरा काम खराब कर देता। खैर ठीक है गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि पॉकेट एडिशन में जो है फाइट करवा के दिखाओ प्रिजन में, बेडरॉक प्रिजन में, कि भाई देखते कौन जीतेगा और वार्डन जो है मतलब कितने टाइम में वार्डन मार देगा विदर को। तो भाई देख लो, बहुत ईजिली मार दिया वार्डन ने विदर को। और जैसा कि तुमने कहा था, मैं ना तुम्हारे लिए आया हूँ पॉकेट एडिशन में, और मैंने तुम्हारे लिए जो है ये फाइट भी करवाई है। तो इसी बात पर अभी तुम लोग भी भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। भाई आज ना मैं लाइक एम लगा रहा हूँ, जो कि 100 लाइक एम, ठीक है, मतलब 100 लाइक का गोल लगा रहा हूँ मैं। तो जल्दी से फटाफट से 100 लाइक कंप्लीट करवा दो, और तुम लोगों ने बताया था। अब तुम लोग अगर कोई और भी चैलेंज या फिर कुछ भी देना चाहते हो तो कमेंट में तुम मुझे बता सकते हो। खैर ठीक है, फिर आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।